आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम रीज। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनके प्रिपरेशन में भी मदद मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं पूरी तरह से सिलेबस पर आधारित है और पूरे पूरे चांसेस बनते हैं एग्जाम पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएं। सो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनके प्रिपरेशन में भी मदद मिल सके। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था मैडम भिखाजी कामा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आंसर को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है, सो आई होप आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो इसके आंसर को आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा, हमारे संविधान में मूल अधिकार जो है तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका देश से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी पूछ सकता है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर रहता है अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी जयललिता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही चर्चित नाम है, आप सभी लोग शायद इन्हें जानते भी होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है तो विलियम वेटिंग द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे पंडित दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था सन 1953 पे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इसका राइट आंसर रहेगा, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख होता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा होती है 62 ईयर यानी कि 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे उच्च न्यायालय बोला यानी कि हाई कोर्ट के लिए बोला है, यदि यहाँ पे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए बोलता तो उसका राइट आंसर रहता 65 ईयर। ठीक है, आप सभी लोग इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, गवर्नर यानी कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जारी किया जाता है विधानमंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज, आप सभी लोग टेलीग्राम पे जाके एग्जाम रेज
नाम डालकर सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली क्विजेस कराता हूँ और पीडीएफ इसी पे अपलोड करता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है एग्जाम रेज। आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे जाके एग्जाम रेज नाम डालकर सर्च कर लीजिएगा और इसे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन को कंप्लीट कराता हूँ जो एग्जाम पे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाषा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, भारतीय संविधान में 14 भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, भारतीय सरकार की प्रमुख योजना उड़ान जो है तो नागरिक विमान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्नेडो क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पे काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर रहेगा, टॉर्नेडो जो है तो एक तरह का एक अति निम्न दाब केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, यानी कि क्वेश्चन बन रहा है कि ज्वालामुखी की सक्रियता किस देश में पाई जाती है? तो आप सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा, ज्वालामुखी की सक्रियता जो है तो जापान देश में सर्वाधिक पाई जाती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आप सभी लोग 10 सेकंड में इसके आंसर को सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा, गोबी मरुस्थल जो है तो मंगोलिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, गोबी का मरुस्थल जो है तो किस देश में स्थित है? मंगोलिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे गोभी मरुस्थल आया है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सहारा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में होंगसू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी लोग इसके आंसर को सोचिए और इसके आंसर को बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा, जापान में होंगसू नामक द्वीप जो है तो तेल लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, जापान में होंगसू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, तेल लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पे जापान आया है तो आप सभी लोग बताएंगे कि जापान की राजधानी क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है और वहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। इन सभी का आंसर आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है। तो आप सभी लोग बताएं, विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। आप में से कई लोग इसका आंसर सोच रहे होंगे पाकिस्तान है, लेकिन इसका आंसर गलत रहेगा। ठीक है, विश्व में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है इंडोनेशिया द्वीप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, इंडोनेशिया में सर्वाधिक है। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे कि पूर्वी पाकिस्तान किसे कहा जाता है, किस देश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात पहाड़ियों का नगर यूरोप के किस देश को कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे देश नहीं होगा, यहाँ पे रहेगा देश की जगह नगर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, सात पहाड़ियों का नगर यूरोप के किस नगर को कहा जाता है, ठीक है, या फिर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, रोम को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, सात पहाड़ियों का नगर यूरोप के किस नगर को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, रोम को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सिरहम्प की राजधानी कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, भारत के सिरहम्प की राजधानी कहा जाता है, नेल्लूर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, भारत के सिरहम्प की राजधानी किसे कहा जाता है? नेल्लूर को
कहा जाता है। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को डार्क यूल के नाम से संबोधित किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। प्रीवियस ईयर पे काफ़ी बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं 10 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा, भारत के पड़ोसी देश भूटान को डार्क यूल के नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। और भूटान को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है तड़ित झंझाओं का देश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आज के इस पेड में मैंने आपका टेस्ट लिया है, तो आप सभी लोग बताएंगे कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं, ताकि मुझे पता चल सके आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन फिर से है, आप सभी लोग बताएंगे कि भूटान की राजधानी क्या है और वहाँ की करेंसी क्या है। इसका आंसर आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।